हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज चलिए आज हम बात करते हैं मेडिकल लाइन की गवर्नमेंट जॉब के बारे में। तो मेडिकल लाइन में जो गवर्नमेंट जॉब निकाली गई है वो वेस्ट बंगाल में निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया गवर्नमेंट वैकेंसी है। कहीं कहीं भी लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो कैंडिडेट के लिए एक सुनहरा मौका है, जो कि जाना चाहते हैं B.Sc करके सीधा नर्सिंग की पोस्ट पे, और वो भी गवर्नमेंट जॉब पे। तो दोस्तों, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में WBHRB ने निकाली है पोस्ट स्टाफ नर्सिंग की, और साथ ही ये मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए है। और जो टोटल पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं वो है 9,333। तो दोस्तों, मैं हूँ संचना, और आपको स्टाफ नर्सिंग की पोस्ट को पूरी अच्छे से जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहना पड़ेगा। साथ ही अंत तक आप ज़रूर देखिएगा, आपको हर चीज़ समझ में आएगी कि कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए, आपको कैसे स्टडी करनी चाहिए। और साथ ही जो भी हम आपके लिए यहाँ पे पोस्ट लेकर आते हैं, जो कि हमारी पूरी टीम लेकर आती है, तो वो जेन्युइन होती है। हम रोजगार समाचार से सीधा आप तक पहुँचाते हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, डिटेल में जानते हैं WBHRB के स्टाफ नर्सिंग की पोस्ट के बारे में। जो वैकेंसी निकाली गई है वो है 9,333। लास्ट डेट है 23 मार्च अप्लाई करने के लिए। जो वैकेंसी है वो वेस्ट बंगाल की है, और साथ ही ये ऑल इंडिया गवर्नमेंट वैकेंसी है, तो किसी भी स्टेट के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल में इस जॉब के बारे में जानते हैं। जो पोस्ट की बात करें तो ये है स्टाफ नर्स की सेकेंड ग्रेड की पोस्ट, वैकेंसी 9,333। और साथ ही अगर मैं पे स्केल आपको बताना चाहूँ तो 34,136 हैं। अब कैटेगरी वाइज की बात करें तो यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज है आप मेरे टीवी की स्क्रीन पे देख सकते हैं, UR, SC, ST, OBC में ए ग्रेड और बी ग्रेड पे यहाँ पे बताया हुआ है PWD के लिए। तो GNM की बात करते हैं फीमेल और मेल की, तो यहाँ पे जो है SC के लिए 1760 और साथ ही मेल कैंडिडेट्स के लिए 96, वहीं ST के लिए 400 और मेल कैंडिडेट्स के लिए 25, वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 993 OBC ए ग्रेड पे और मेल कैंडिडेट के लिए 45, वहीं PWD के लिए 462 और मेल कैंडिडेट के लिए 16। वहीं बेसिक B.Sc नर्सिंग की बात करते हैं तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे तीन पोस्ट निकली हैं। तो नर्सिंग में UR के लिए 1736, वहीं SC के लिए 1086, ST के लिए 358 और OBC ए और बी को के साथ 703 और 196, वहीं PWD के लिए 239। और बेसिक पोस्ट नर्सिंग की बात करें तो यहाँ पे SC के लिए 102, ST के लिए 29, OBC A के लिए 50 और OBC B के लिए 32, वहीं PWD के लिए 14। तो अब कैटेगरी तो जान ही गए हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आते हैं कि आपकी क्या एजुकेशन और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे GNM और बेसिक B.Sc नर्सिंग आपकी होनी चाहिए। पोस्ट B.Sc नर्सिंग का पोस्ट अगर आपने पास किया तो और भी गुड है, और अगर आपने किसी भी टाइप की ट्रेनिंग करी है नर्सिंग में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कॉलेज आपने रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर किया है आपने B.Sc तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही जो अप्रूव हो नर्सिंग काउंसलिंग से, रिस्पेक्टिव स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग से अप्रूवल हो, और एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 39 ईयर्स है, और जो कि कैलकुलेट की जाएगी 1 जनवरी 2020 तक के लिए। तो ये हेल्थ रिकॉग्नाइज बोर्ड की तरफ से जो है ये वेस्ट बंगाल में WBHRB की पोस्ट है, और जो कि हम रोजगार समाचार से आप तक पहुंचाते हैं। और इसीलिए मैंने बुक के लिए यहाँ पे बात की है, क्योंकि हम जेन्युइन जो वैकेंसीज आप तक लेकर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए आपको कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो आपको इसकी जो है एग्जाम की डेट आने से पहले, जब तक आपने फॉर्म फिल किया है, आपको स्लोली स्लोली स्टडी करते रहना होगा, पर डे 2 घंटे बैठ के पढ़ना होगा, ताकि आप जो है आराम से समझ सकें चीज़ों को और अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी सी कोचिंग लेने की जरूरत है इसमें, तो आप कोचिंग भी ले सकते हैं इसके एग्जाम के लिए। अगर रिटर्न एग्जाम है होगा इसका, तो आप इसकी कोचिंग ले सकते हैं। तो चलिए एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं हम आगे। तो जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 210 रुपीज फीस दी गई है। वही एग्जामिनेशन फी जी आर
आईपीएस यानी गवर्नमेंट रिसिप्ट पोर्टल सिस्टम को दी जाएगी यहाँ पे, और जो कि हेड ऑफ अकाउंट है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का। तो यहाँ पे एक अकाउंट नंबर दे रखा है, आप इसमें जाकर के ये जो है ट्रांसफर कर सकते हैं ऑनलाइन, या आप जैसे भी उस पर पे करना चाहते हैं वैसे पे कर सकते हैं। अब वही इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसकी स्टार्टिंग जो डेट है ऑनलाइन जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी वो है 13th March 2020। तो मे बी यस्टरडे से ये स्टार्ट हो चुका है, तो आपके पास एक सुनहरा मौका है अपना जो है जीवन यहाँ पे स्टाफ नर्सिंग के लिए और कुछ बनने का, तो आप अप्लाई कीजिए। और साथ ही लास्ट डेट जो है सबमिशन की वो ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो है 23rd March 2020। तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है सोचने के लिए। तो दोस्तों अब हम आगे बात करने जा रहे हैं कि प्रोसेस की, कि आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो आप अप्लाई कर सकते हैं वेस्ट बंगाल की साइट दे रखी है उस पर। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन जो होगा आपका वो बेस्ड है पहले तो रिटन एग्जाम पे, और फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा कि आप केपेबल हैं या नहीं है उस पोस्ट के लिए। तो वेस्ट बंगाल की ये जॉब है, ऑल इंडिया है, और क्या चाहिए आप लोगों को, तो अप्लाई करो ना इस पर। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और साथ ही अगर आपको इसका नोटिफिकेशन का लिंक चाहिए या फिर इसका अप्लाई करने का लिंक चाहिए तो वो आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप दोनों चीजों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले तो आप ये बताइए आपको मेरा ये नर्सिंग का वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और हाँ उसके साथ में जो बेल आइकन होता है ना उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपने उसको दबाना अगर आप भूल गए तो आप मिस कर देंगे हमारी न्यू अपडेट को, जो कि ग्रेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की होगी और साथ ही जो कि ऑल इंडिया बेसिस पे होगी और स्टेट लेवल पे भी हो सकती है। तो आप एक अपॉर्चुनिटी खो देंगे।